शरेआम हो रही गुंडागर्दी, एक पासे बैंस दी लोक इंसाफ पार्टी दे मेंबर अते दूजे पासे कांग्रेसी गुंडे, बैंस दे साथियां दी हो रही कुटमार, उतारियां जा रही पग्गां। यह तस्वीर ने कांग्रेसी लीडर रवनीत सिंह विटू दे घर दे बाहर दियां, जिथे एक बार फिर कांग्रेसियों का गुंडा रूप अते पुलिस की मिली भुगत सामने आई। कोरोना महामारी च सब तो खतरे च चल रहे लुधियाना विच लोक महामारी नाल मर रहे ने, जिसका कारण है सही इलाज ना मिलना, जिस लई लोक इंसाफ पार्टी वालों सनी कैंथ की अगवाही हेठ लोगों तो चंदा इकट्ठा किया जा रहा सी, पर जदों ओह रवनीत सिंह विटू की कोठी अगे मंग पत्र देन पहुंचे तो कुछ समा तो गलबात होंदी आ, फिर अचानक 100 तो वध कांग्रेसी वर्कर जां फिर गुंडे बाहर आउंदे ने अते रज के प्रदर्शनकारियों की कुटमार करदे ने अते उन्हां दियां पग्गां उतारियां जांदियां ने, जो शरेआम सड़क विचकार पैरां थले रोलियां जांदियां ने। कुछ कु समा तो पुलिस वालों भी मामला देखिया जाता अते फिर मामले नूं शांत करवाया जाता। बाद विच सनी कैंथ अपने साथियों समेत लुधियाना पुलिस कमिशन दफ्तर के बाहर धरने पर बैठते हैं अते इस मौके लोक इंसाफ पार्टी के विधायक बलविंदर सिंह बैंस भी मौके पर पहुँचते हैं। बैंस साहब ने इसनूं लोकतंत्र का घाण अते कांग्रेसियों की गुंडागर्दी दसदिया दोषियों से परचे दर्ज करन दी मांग की, घटना स्थान पर मौजूद पुलिस अफसर नूं मुअत्तल करन दी भी मांग की। साढ़े साथियों के मन च सी कि मैंबर पार्लीमेंट को वड्डा फंड हुंदा लोकां दे दुख तकलीफां नूं दूर करन वास्ते, ते अज साढ़े साथियों ने कुछ फंड भारत नगर चौंक च इकट्ठा किया लोगों को, और मन की सोच की सी कि असी ये भी लै जांगे और एम पी साहब नूं आखांगे कि कुछ लैड फंड चो पा के सिविल हॉस्पिटल दे विच एक वेंटीलेटर मशीन इंस्टॉल कर दो, पर उत्थे जदों गए सर जरनैल सिंह एस एच ओ इन्हां नूं बुला के लै गए, तो उत्थे जाके इन्हां दीआं पग्गां लातीआं, उत्थे उन्हां दे बंदिआं ने नाले हथो पाई की। आ लोकतंत्र का काण है, इदां मेरे घर भी आउंदे आ मंग पत्र लैके लोग, मैंबर पार्लीमेंट दे घरे उहदे बाहर इन्हां दी पग पुग ला के इन्हां दी बेइज्जती की, बई मैं तुहाडा मंग पत्र एम पी साहब नूं दवा दिंदा। ओ इहदा मतलब भी ओह दूजे बंदिआं नाल रल गया, एस एच ओ नूं जे पता लग जाए कि उत्थे ज़्यादा इकट्ठा झगड़ा हो सकता फिर उन्होंने चाहिए सी, फिर एस एच ओ सियाणा होए तो रोकदा भी ना जाए उत्थे झगड़ा हो जूगा। हाँ सानू एस पी साहब और मिले अफसर साहब, वो कहिंदे कि आओ असी तुहाडा बयान लिखदे हाँ इन्हां दा, तो असी कार्रवाई कर देंगे, असी बयान लिखाउण जा रहे हाँ, ना कार्रवाई करनगे आ दरी वाला काम तो जो मर्जी किया जा सकता। साडियां मंगां ने जो उन्हां ते कार्रवाई की जाए, जरनैल सिंह नूं मुअत्तल किया जाए, आ साडी मंग आ। पीड़ित सनी कैंथ तो ही जानते हाँ पूरा मामला। सवेर के तुम मीडिया वाले साढ़े नाल चल रहे हो, असी चंदा इकट्ठा किया भारत नगर चौंक के 2 बजे का समा सी, भी लुधियाने एम पी नूं मिलांगे जाके उन्होंने गुजारिश करांगे भी तुसीं आ चंदा फड़ो तो आपका एम पी लैड के विचों जोड़ के उत्थे वेंटीलेटर लवाओ, भी लुधियाने के लोग मर रहे, इलाज नहीं हो रहा लोगों का। सो अज असी सारी जो लोक इंसाफ पार्टी के मैंबर उसे जाना सीगा, सानू एस एच ओ साहब का फोन आया भी तुसीं 5 बंदे तो वध ना आयो, 4-5 फोन मैंने एस एच ओ जरनैल सिंह आए, जे उन्होंने लगता सी उत्थे बंदे इन्होंने इकट्ठे किए सानू क्यों बुलाया, उत्थे सानू पहलां कहिंदे भी तुसीं ना आओ जी असीं पिछे थोड़े तो मैंबर नूं फड़ लैंदे आ, सानू उत्थे बुला के उत्थे 200 बंदा साढ़े ते हमला करदा उन्हां दी मौजूदगी दे विच एस एच ओ दी,
मेरे तो साढ़े साथी एडवोकेट गुरजोत सिंह जी, हरजाप गिल ते साढ़े साथियों के होर सारे ही पग्गां लाउंदे आ। हुण 500 बंदा 5 बंदे ने पिया साढ़े ते हमला किया, फिर असीं जदों इन्हां दे हमलावर होए फिर भज के अंदर वड़ गए सारे जणे। असीं धरने लाउणे इन्हां दी, इन्हां दी खुलासे करदे आ, पोलां खोलदे आ, भ्रिष्टाचारी दी इन्हां दी दुकानां खोलियां ने, उह बंद कराई दियां ने, ते इन्हां दे मन चों खटकदी आ जी। मुड़ के जदों सीधे होए फिर अंदर भज्जे आ, फिर इन्हां ने बैरीकेड करके पुलिस ने बंद करता, फिर उदों बंद क्यों किया? प्रशासन नूं मंग करदे जी SHO नूं सस्पेंड किया जाए जरनैल सिंह, और इन्हां दे परचे दर्ज होए, बाय नेम परचे दर्ज होण, ते साडी सुरक्षा दा इंतजाम किया।